गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, जो प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं और अभी तक हमने कुल 70 प्रश्नों को कवरअप किया था, तो इस वीडियो के माध्यम से बाकी के बचे हुए प्रश्नों को कवरअप करने का प्रयास करेंगे। एक रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट के माध्यम से क्रम से वीडियो आपको मिल जाएगी, अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर विजिट करते हैं तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन तक हमने कवरअप किया था, 71 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? ये IAS 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कवरअप किए जाएंगे। तो ये IAS 2000 का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। पहला ऑप्शन है नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी कवक मूल और ऑप्शन नंबर डी एजिटोबैक्टर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील हरित शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। ऑप्शन नंबर ए यूलोथ्रिक्स, बी स्पाइरोगायरा, सी क्लोरेला और डी ओडोगोनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष कार्यक्रमों में जाने वाले व्यक्ति ऑक्सीजन की आपूर्ति के रूप में और पोषण के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो चार ऑप्शन है, मांस, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल, लाइकेन, कवक, ब्रायोफाइटा। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न। SSC 2014 का क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन कवरअप किए गए हैं बेसिक टू एडवांस बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फंजाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कवकों की एक कोशिका भित्ति सिलवाल किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए लिपिड्स, बी सेलुलोज, सी प्रोटीन, डी काइटिन व हेमीसेलुलोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काइटिन व हेमीसेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, क्वेश्चन है, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में, तेल कायों के रूप में, स्टार्च के रूप में, अल्कोहल के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं? ऑप्शन नंबर ए परजीवी, बी स्वपोषी, सी विविध पोषी, डी मृतोपजीवी। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करें राइट आंसर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विविध पोषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, क्वेश्चन है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स के बीच, ऑप्शन नंबर बी कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच, ऑप्शन नंबर सी शैवालों तथा जिम्नोस्पर्म्स के बीच, स्पर्म्स की जड़ों के बीच, डी शैवालों तथा कवकों के बीच। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करें राइट आंसर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच माइकोराइजा का सहजीवी संबंध होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है,
वृक्षों की छालों पर, गोबर पर और पूछा जाता है पत्थरों पर, ये सब पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। चार ऑप्शन है, कार्टिकोलस, ऑप्शन नंबर बी जूफिलस, ऑप्शन नंबर सी साक्सिकोलस और ऑप्शन नंबर डी कोप्रोफिलस। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए कार्टिकोलस। तो माइंड में बिल्कुल आप फीड करके रखेंगे, जो वृक्ष की छालों पर कवक उगते हैं वो कार्टिकोलस कहलाते हैं। अगला जस्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, वही चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए साक्सिकोलस, बी टेरिकोलस, सी कॉर्टिकोलस और डी कोप्रोफिलस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोप्रोफिलस। तो माइंड में रखेंगे, गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता। बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइट्स और ऑप्शन नंबर डी कवक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, ये क्वेश्चन, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, तो इस पर आईएमपी नोट कर लेंगे। क्या है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, मतलब आलू का लेट ब्लाइट डिजीज किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फ्यूजेरियम मोनिली फार्म द्वारा, ऑप्शन नंबर सी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा 83 का, 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। चार ऑप्शन है, राइजोपस स्टोलिनी फर, ऑप्शन नंबर बी जाइको साइक्रोमाइसिज, ऑप्शन नंबर सी साइक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन नंबर डी साइक्रोमाइकोडिस लुडिकजाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा आई थिंक सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा साइक्रोमाइसिस सेरेविसी इसका राइट आंसर होगा, जो कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, क्वेश्चन है पेनिसिलियम क्या है। पेनिसिलियम क्या है, तो चार ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर ए है विषाणु, ऑप्शन नंबर बी है शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है कवक और ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कवक, पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, कवक है। अब अगला क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बढ़िया क्वेश्चन है, चार ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है चार्ल्स गुडियर, ऑप्शन नंबर बी माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन नंबर डी विलियम हार्वे। काफ़ी लोग होंगे जो इसका आंसर जानते होंगे, पेनिसिलिन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है ये। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अर्गाट किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी क्लेविसेप्स, ऑप्शन नंबर सी फाइटोमोनोस, ऑप्शन नंबर डी एल्ब्यूगो। तो इस क्वेश्चन पे आईएमपी कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्लेविसेप्स। अर्गाट किससे प्राप्त होता है, क्लेविसेप्स से। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, क्वेश्चन है, औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो चार ऑप्शन में, पहला ऑप्शन होगा पेनिसिलियम एक्सपेंसम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलियम नोटेटम से और ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलियम क्लेविफार्म से। तो इसका राइट आंसर ज़्यादातर लोग ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे ही जो है घुमाता है परीक्षा में। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि औद्योगिक स्तर की बात किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। तो ये बात अपने माइंड में रखेंगे अच्छे से कि पेनिसिलियम नोटेटम आप नहीं लगाएंगे जब औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त करने की बात की जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा। क्वेश्चन है, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती हैं क्योंकि। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है और इम्पोर्टेंट भी है। चार ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर पहला है, ईस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है। ऑप्शन नंबर बी है, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट कोमल होता है और आटा भी कोमल हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है, ईस्ट एस्टिकम तथा एल्कोहल पैदा करता है जो रोटी बनाते हैं। आंसर जानते हो तो तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट करें। चलिए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। एक्चुअल में जब CO2 का उत्पादन होता है तो वो छिद्र जैसा बना देता है, तो ये डबल रोटी छिद्रयुक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट में कायिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा, बी एकाइनीड्स द्वारा, सी एप्लानोस्पोर्स द्वारा और ऑप्शन नंबर डी स्कोस्पोर्स द्वारा। चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय बडिंग यानी मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए म्यूकर, बी पेनिसिलियम, सी एगेरिकस एंड डी राइजोपस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एगेरिकस। एगेरिकस क्या है, खाने योग्य फंजाई या कवक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा। क्वेश्चन है, ELSD किससे प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। पहले ELSD का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, L फॉर लाइसर्जिक, D फॉर डाइएथिलामाइड। ELSD जो खतरनाक चीज़ है, लाइसर्जिक डाइएथिलामाइड। तो ये किससे प्राप्त होता है, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी 2,4-D और ऑप्शन नंबर डी एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं। चार ऑप्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ऑप्शन नंबर बी एस्परजिलस, ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलियम और ऑप्शन नंबर डी बैसिलस। ये सब क्वेश्चन एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं, आप इसका राइट आंसर तुरंत कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेप्टोमाइसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया, चार ऑप्शन है, लिवेनहाग, बी है बर्क होल्डर, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी है वाक्समैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, वाक्समैन। क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए चावल, बी ज्वार, सी गन्ना, डी मूंगफली। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रॉट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ क्वेश्चन बढ़ रहा है। तो चार ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, निमेटोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य खाद्य छत्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए कवकीय बीजाणुओं का पुंज, ऑप्शन नंबर बी कवक तंत्र या हाइफा का प्रकार, ऑप्शन नंबर सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, ऑप्शन नंबर डी अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कमेंट करें तुरंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन देखिएगा, मशरूम क्या है। चार ऑप्शन, कवक, पौधा, पशु, बैक्टीरिया। ये CGPCS 2012 का क्वेश्चन है,
फिलहाल सिंपल क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर जानते होंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए टेरामाइसिन, बी नियोमाइसिन, सी पेनिसिलिन, डी स्ट्रिप्टोमाइसिन। SSC 2002 का क्वेश्चन है, बट ये कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, कई बार पूछे हैं, लोग जानते भी हैं। तो राइट आंसर इसका बिल्कुल आपको पता होगा, पेनिसिलिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोवा, ऑप्शन नंबर डी निमेटोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कवक इसका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IAS 2001 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमने आपको बताया है कि बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन कवर करेंगे, जैसा कि थंबनेल में हमने लिख भी दिया है। तो आप निश्चिंत रहें, सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, IAS लेवल तक के क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए जैव उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी कोरेलाइड जड़, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजा। ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया है, कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच कार्यात्मक संबंध, IAS 1999 का प्रश्न है। देखिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजा, जो कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका था, शायद आप माइंड में इस चीज़ को रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी। एफ्लाविस किससे बनता है, इसको माइंड में बिल्कुल बैठा के रखेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, लेकिन कई बार सिलेक्शन सिंपल क्वेश्चन को करने से होता है। तो सिंपल क्वेश्चन में अगर गलती करेंगे तो फिर जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगर आप कर ही नहीं पाएंगे, तो सिंपल क्वेश्चन कई बार सिलेक्शन प्रोसेस में अहम भूमिका निभाता है। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना है, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आप अगर परफॉर्म करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एफ्लाविस किससे बनता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा ऑप्शन क्या है, कवक जीवाणु शैवाल विषाणु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एफ्लाविस किससे प्राप्त होता है, तो कवक या फंजाई से। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, क्वेश्चन है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन इसके पहले आ चुका है, तो सबको पता होगा डायरेक्ट बिना ऑप्शन बताए, ऑप्शन नंबर सी सैक्रोमाइसिस का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है या सच है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? ऑप्शन नंबर ए शैवाल और जीवाणु का, ऑप्शन बी शैवाल और कवक का, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु और कवक का, और ऑप्शन नंबर डी कवक और मांस का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, UPPCS 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछता है, और ये भी क्वेश्चन घुमाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल और कवक का। तो क्या होगा, सहजीवी साहचर्य शैवाल और कवक का जो होता है, इसको आप कमेंट में करेंगे लाइकेन, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। शैवाल और कवक क्या मिलकर बनाते हैं, लाइकेन, जो कि प्रदूषण का एक अच्छा संकेतक भी है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइट, बी लाइकेन, सी टेरिडोफाइट, डी शैवाल। तो सिंपल सी बात है, हमने इसके पहले चर्चा किया, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए हल्दी, बी सिंकोना की छाल, सी लाइकेन, डी मशरूम। ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा, क्वेश्चन है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध
कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंपल सा, ऑप्शन नंबर ए हेलोटिज्म कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। देखिए पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्टिकोल्स, बी साक्सिकोल्स, सी सेक्सटिलिस और डी परमेलिया। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कार्टिकोल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 109 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्टिकोल्स, बी साक्सिकोल्स, सी लिग्निकोल्स और डी टेरिकोल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी साक्सिकोल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे पेड़ की छालों पर उगने वाला कार्टिकोल्स, चट्टानी स्तरों पर उगने वाला साक्सिकोल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए परमेलिया, बी रोसेला, सी इंडोकार्पन, डी क्लेडोनिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोकार्पन। तो माइंड में इसको रखेंगे कि जापान में जिस लाइकेन का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है उसको इंडोकार्पन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा, क्वेश्चन है मिर्गी इपिलेप्सी बोलते हैं कि औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है। चार ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं, लेकोनेरा, रोसेला, लोबेरिया, परमेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमेलिया। तो परमेलिया क्या है, परमेलिया एक प्रकार का लाइकेन है जिसका प्रयोग मिर्गी में दवा के रूप में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए शैवाल, बी फंगस, सी ब्रायोफाइटा, डी टेरिडोफाइटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइटा। तो एक चीज़ याद रखेंगे, जैसे मेंढक को उभयचर के अंतर्गत रखा गया है जंतुओं में, ऐसे ही वनस्पति जगत में जो है उभयचर किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को, जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, जड़ के स्थान पर मूलाभास या राइजॉइड्स पाया जाता है। बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए एंजियोस्पर्म, बी जिम्नोस्पर्म में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी टेरिडोफाइट्स में। राइजॉइड्स किस में पाया जाता है, यानी मूलाभास किस में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइंड में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को आप रखेंगे क्योंकि जिस क्वेश्चन के लिए हमने इंपॉर्टेंट कहा है वो एडवांस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो है सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो अब बचा क्या है, एडवांस टाइप के क्वेश्चन को जो है एग्जाम में देने के लिए। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राइजोइड्स किस में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 114 ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर ए लीवरवर्ट एवं फर्न, ऑप्शन नंबर बी मांस एवं फर्न, ऑप्शन नंबर सी लीवरवर्ट एवं मांस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट्स में कौन सम्मिलित हैं, लीवरवर्ट एवं मांस सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइट्स और ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइट्स। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है। ये बहुत ही एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल माइंड में कीप करके रखेंगे। तो UPPCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। तो इसमें कई ऑप्शन हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए साल्विनिया, ऑप्शन नंबर बी एजोला, ऑप्शन नंबर सी
मार्सिलिया, ऑप्शन नंबर डी लास्ट का ऑप्शन क्या है, टेरिडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैव उर्वरक के रूप में किससे प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजोला। तो ये भी क्वेश्चन एडवांस टाइप का है, बिल्कुल आप माइंड में इसको रखेंगे, एजोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए साइलोटम, बी लाइकोपोडियम, सी सिलेजिनेला, डी सिरेटोप्टेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। ऑप्शन नंबर है साइलोटम, बी लाइकोपोडियम, सी है सिलेजिनेला और डी है सिरेटोप्टेरिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलेजिनेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम, बी सिलेजिनेला, सी साइलोटम, डी क्विसिटम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 119 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसका राइट आंसर क्या देना, इसका राइट आंसर सभी जानते हैं, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा, क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। एडवांस टाइप का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य में, बी टेरिडोफाइट्स में, सी हाथियों में, डी एंजियोस्पर्म में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइट्स में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूपों में पौधों पर लगे रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइट, टेटोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। नग्न रूप में कौन, नग्न बीजी पौधे जो होंगे वही, तो उसको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। मीन टू से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 देखिएगा, क्वेश्चन है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइट से, बी द्वि बीज पत्रियों से, सी जिम्नोस्पर्म से और ऑप्शन नंबर डी एक बीज पत्रियों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से संसार के लंबे लंबे जो पौधे होते हैं वो संबंधित होते हैं। 123 देखिएगा, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए साइकस, बी सिलेजिनेला, सी चिलगोजा, डी कोनिफर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चिलगोजा राइट आंसर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट और एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 124, कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं। क्या क्वेश्चन है, कोरेलाइड जड़ें किस में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए चीड़ में, बी लाइकोपोडियम में, सी साइकस में, डी ड्रायोप्टेरिस में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइकस में कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा, क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए कोकस, बी नीटम, सी साइकस, डी बाइनस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है। क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन देखिएगा, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए साइकस, बी पाइनस, सी सिलेजिनेला, डी सिकोइया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। 127 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। तो क्या होगा क्वेश्चन, साबूदाना सागो किससे बनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए साइकस, बी पाइनस, सी सेड्रस और डी जूनिपेरस है। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो वीडियो को रोक कर आंसर करके तब वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 127 का कौन सा ए बी सी करके आप लिख देंगे, हम समझ जाएंगे कि आपने
जो है इसका आंसर जान रखा है। तो साबूदाना किससे बनाया जाता है, इसका आंसर आप देंगे, आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन देखिएगा, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा, उसके पहले विकल्प देख लें। ऑप्शन नंबर ए साइकस, बी जूनिपेरस, सी इफेड्रा, डी पाइनस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इफेड्रा। याद रखेंगे इफेड्रा से इफेड्रिन औषधि प्राप्त की जाती है जिसका उपयोग दमा एवं खांसी में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, कौन एक जीवित जीवाश्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए ड्रायोप्टेरिस, बी साइकस, सी पाइनस, डी जिंकगो। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जीवित जीवाश्म, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लिविंग फॉसिल्स, ऑप्शन नंबर डी जिंकगो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, विषाणु यानी वायरस क्या है। तो वायरस क्या है, ऑप्शन नंबर देखिएगा ए कोशी, बी अकोशी, सी एक कोशी, डी बहुकोशी। तो वायरस को किस में रखा गया है इसमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकोशी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सुपर बग क्या है। ऑप्शन नंबर ए कवक विकृति, बी जीवाणु विकृति, सी जल पिस्सु, डी शैवाल विकृति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु विकृति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल, बी कवक, सी लाइकेन्स, डी फर्न। तो प्रदूषण का संकेतक लाइकेन, और सबसे अच्छा प्रदूषक किसका, यह सोटू का सल्फर डाई ऑक्साइड का, किससे बनता है, शैवाल और कवक से। कौन सा जीवन व्यतीत करते हैं, सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 130। अब इसका राइट आंसर भी आप दे देंगे 133 का क्या होगा, चार ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर पूरी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, बेसिक टू एडवांस क्रम से, और सारे क्वेश्चन कवरअप करने का प्रयास करेंगे हर एक चैप्टर का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट को विजिट करें, जो है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में भी इसको पिन कर दें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स।